फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सम्राट फार्माकैम के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको सम्राट फार्माकैम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो आयोडाइन कंपाउंड्स होते हैं, तो अलग अलग तरीके के जो आयोडाइन कंपाउंड्स होते हैं उसे ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, फार्माकैम ये कंपनी नाम है, यानी कि फार्मा, ये जो फार्मा के जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है, और केमिकल यानी कि ये जो आयोडाइन कंपाउंड है ये केमिकल्स में भी आता है। देखिए, कंपाउंड क्या होता है, ये केमिकल ही होता है एक तरीके का, तो वो ये कंपाउंड भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, एक छोटी सी ये कंपनी हमें नज़र आती है, सिर्फ 248 करोड़ का हमें मार्केट कैप इस कंपनी का नज़र आता है। लगभग अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे, 10 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, और इंडस्ट्री का पी हमें यहाँ पे 24 पे नज़र आता है। तो देखिए, डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो काफ़ी एक लो जो पिछले 12 महीने की अर्निंग्स उसके हिसाब से वैल्यूएशन के नंबर यहाँ पे काफ़ी लुक्रेटिव हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। अब अगर हम ROCE के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 52.4% के ROCE के नंबर है, और 45% का हमें यहाँ पे ROE नज़र आता है। तो देखा जाए तो रिटर्न रेशियो के नंबर भी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। 150 रुपये का हमें यहाँ पे बुक वैल्यू नज़र आता है, यानी कि अराउंड अगर आप देखोगे 5 times यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नज़र आती है। कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा डेट नहीं है, तो ये हमें काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे नज़र आती है। अब अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पिछले 4 साल से काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, 2019 में जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे, तो 2022 में यहाँ पे उसके कंपैरिजन में ये नंबर हमें डबल होता हुआ नजर आया है। तो देखिए, 3 साल में अगर रेवेन्यू के नंबर डबल हो जाते हैं, ये इंडिकेशन हमें देता है कि अराउंड 24% CAGR से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर ग्रो हुए हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए, 1.5 करोड़ के लगभग के कंपनी के नंबर थे, और अभी 17 करोड़ के लगभग कंपनी का नंबर आया है। तो कंपनी के लिए ऑपरेटिंग लेवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कंपनी के लिए प्ले आउट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गणपति जी का थोड़ा विसर्जन वगैरह हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी वॉइसिस वगैरह आ रही है, थोड़ी आवाज वगैरह आ रही है, तो उसे प्लीज उससे बियर कीजिएगा। अब उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे लगातार खास करके अगर हम पिछले 4 quarters की अगर हम बात करेंगे तो फिनोमिनल वे में यहाँ पे कंपनी के नंबर्स बढ़े हैं। कहा यहाँ पे 59 करोड़ की सेल्स थी, लेकिन देखिए ये 3 quarters कंपनी के लिए कॉन्सोलिडेशन वाले क्वार्टर थे, और यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी फिनोमिनल रिस्पॉन्स दिखाया है। तो क्या ये जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, क्या ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे सामने यहाँ पे डाउट हमें यहाँ पे नज़र आता है। और यहाँ पे कंपनी ने लगभग 9 करोड़ रुपये का प्रॉफिट भी कमाया है। तो देखिए, अगर हर क्वार्टर में कंपनी 9 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है, तो लगभग 36 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का अगर आप देखोगे तो टोटल ओवरऑल नेट प्रॉफिट कंपनी का आएगा। और वहाँ पे वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे, लगभग 6 से 7 के पी रेशियो पे हमें ये कंपनी नज़र आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये हर क्वार्टर में 9 करोड़ रुपये कमाना ये कंपनी के लिए आसान नहीं रहेगा। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इतने टाइम से कंपनी का ये कंसोलिडेशन अर्निंग्स में चल रही थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना, एक स्टॉक काफ़ी बहुत टाइम से कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद में ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे अर्निंग्स में हमें ब्रेकआउट होता हुआ यहाँ पे नज़र आया है। लेकिन क्या डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नज़र आते हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो एक छोटी कंपनी होती है, जब 150-200 करोड़ की कंपनी होती है, वहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो ये आना चाहिए कि क्या कंपनी लॉस में तो नहीं है, या कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट तो नहीं है, तो इसीलिए इतने में ट्रेड नहीं हो रही है। तो वहाँ पर अगर ये चीज़ें अगर वहाँ पर नहीं होती, यानी कि कम डेट होता है और कंपनी थोड़ा बहुत भी अगर 4-5 करोड़ रुपये भी अगर कमा रही है, तो वहाँ पर डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पर एक तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर आप टोटल एक स्पेक्यूलेटिव वे में ही वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अब अगर हम यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे मार्च 2021 में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, फिर उसके बाद में दिसंबर 2021 में भी प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो एट दी एंड वाला जो पोर्शन है, आज वो जो मेरा टीम मेंबर है तो उसने थोड़ा सा ये सही वे में नहीं किया है, तो मेरे टीम मेंबर के वे में मैं आपको वहाँ पे सॉरी बोलता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम FIH की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे एक नंबर मुझे यहाँ पे एक बड़ा डाउटफुल लगा है कि यहाँ पे 3.24% की होल्डिंग हमें यहाँ पे इनकी नज़र आती है, फिर यहाँ पे 0% की होल्डिंग होती है, ये होल्डिंग DIH के पास चली जाती है, फिर यहाँ पे वापस से 3.24, फिर वापस से 3.24 ये हो जाता है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि FIH DIH अपने आप को इस
सेल और बाय कर रहे हैं, तो ये चीजें मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो हमेशा ये नंबर 3.24 पे ही हमें नजर आता है, तो ये एक मुझे थोड़ा लग रहा है कि कुछ चीजें यहाँ पे हो रही है जो कि मुझे यहाँ पे थोड़े रेड अलर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम पब्लिक की होल्डिंग की बात करेंगे तो अराउंड 47% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, लेकिन देखिए जब इतना ज़्यादा ये जो 150 करोड़ की कंपनी हो गई है तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ये सिर्फ रिटेल कैटेगरी के हिसाब से आपको लगातार अपर सर्किट लगते हुए देखने को नहीं मिल सकते, भले कितने भी ज़्यादा मार्केटिंग कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर अगर आप बात करोगे तो एट द एंड वहाँ पे कोई ना कोई रिटेल इन्वेस्टर ऐसा होता ही है। मतलब 100 में से अगर आप देखोगे 10 से 15% रिटेल इन्वेस्टर ऐसे होते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टॉक को सेल करके निकल जाते हैं अगर उनको एक ही दिन में 5% मिल जाता है तो। लेकिन यहाँ पर अगर हम कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़े नेगेटिव इंडिकेशन है, यानी कि अगर हम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो वो अर्निंग वाला जो ट्रेंड है वो यहाँ पे काफी अच्छा नजर आता है। लेकिन अगर हम देखोगे तो पिछले साल कंपनी ने 18 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया ऑपरेटिंग में, यानी कि जो मेन जो कंपनी का बिजनेस है वहां से 18 करोड़ की कंपनी को इनफ्लोज हुए, और वहां पे कंपनी ने अगर आप देखोगे 1 करोड़ का ही कंपनी ने वहां पे आउटफ्लो किया है इन्वेस्टिंग के अंदर, यानी कि जो अपने फिक्स्ड एसेट्स है उनको यहाँ पे बाय करने के लिए सिर्फ 1 करोड़ का ही कंपनी ने खर्चा किया है। देखिए अगर आपको बिजनेस इतना अच्छा लग रहा है, आपकी डिमांड इतनी ज्यादा है प्रोडक्ट की, तो वहां पे आप कैपेक्स प्लान क्यों नहीं कर रहे हो, आप ज्यादा री इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। देखिए डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर आपको 10 गुना 15 गुना पैसा अगर आपको किसी भी स्टॉक में अगर करना है तो उस कंपनी को लगातार अपने पैसे को री इन्वेस्ट करना होगा, तभी आप वहां पे पैसा कर सकते हो। तो देखिए आज भी अगर आप देखोगे जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो अराउंड अपने 70-80% कैश फ्लो को वहां पे री इन्वेस्ट करती है, और वहां पर अगर आप देखोगे ये नंबर सिर्फ 1 करोड़ है, यानी कि आने वाले टाइम पे जो ज्यादा डिमांड कंपनी के प्रोडक्ट की है वो कंपनी यहां पे फुलफिल करने में नाकामयाब हो सकती है, क्योंकि अगर ज्यादा डिमांड है तो वहां पे री इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, और अगर ज्यादा डिमांड कंपनी फुलफिल नहीं कर पाती है तो वहां पे ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ की हमें वहां पे कैपेसिटी कंपनी की नजर नहीं आती है। अब अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 करोड़ का आउटफ्लो है, तो नॉर्मली जो कम कंपनी का डेट है तो उसे रीपे करने के लिए यहाँ पे ये नंबर हमें नजर आता है। देखिए यहाँ पे 14 करोड़ का जो भले ही हमें यहाँ पे अगर आप देखोगे यार कंपनी के पास तो 14 करोड़ का कैश है, कंपनी 250 करोड़ की है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस टू कैश फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15 से 20 का नंबर नजर आता है, तो मेरे ख्याल से उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टिंग पे फोकस होना चाहिए, और ये पॉइंट मुझे यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है। तो देखिए 802 रुपये पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, एक वन साइडेड रैली हमें स्टॉक में देखी है, मोर देन अगर आप देखोगे 1200% के रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। देखा जाए एज अ होल कंपनी यहाँ पे अच्छी नजर आती है, और वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो अभी हार्डली 10-11 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। और एक चीज़ आपने ये समझनी चाहिए कि अभी जो अगले कंपनी के नंबर्स हैं, यानी कि जो सेप्टेम्बर मंथ है ये इसमें कंपनी के नंबर्स आने वाले नहीं है, और लगभग 15 अक्टूबर से पहले ये कंपनी के नंबर्स हमें आते हुए नजर नहीं आएंगे, यानी कि अभी भी अगर आप देखोगे लगभग 1.5 महीने का यहाँ पे टाइम में, तो मार्केट अभी यहाँ पे पिछले जो 12 महीने की अर्निंग से उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यूएशन करेगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर देखा जाए आज की तारीख में 15 का पी रेशियो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ये कंपनी 15 के पी रेशियो पे जाती भी है, अभी 250 करोड़ से लगभग अगर आप देखोगे 375 करोड़ पे वो नंबर नजर आएगा, और वहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो काफी नॉर्मल वैल्यूएशन हमें वहाँ पे नजर आएगा, तो ये मत चौंकिएगा कि 50-60% मुझे लगता है कि यहाँ पे ये स्टॉक रैली कर सकता है, लेकिन मेन पॉइंट ये कि क्या ये स्टॉक आपको मिलेगा, क्योंकि इतना कम मार्केट कैप है और जिस तरीके से रोज लगातार अपर सर्किट लग रहा है तो मुझे लगता है कि वहां पे किसी दिन अगर लोअर सर्किट लगता भी है तो वहां पे अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए 1-1.5 महीने के हिसाब से, मुझे लगता है कि मिनिमम यहाँ पे लगभग 1000 रुपए के लगभग ये स्टॉक हमें होता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, तो देखिए अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है तो ये आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कभी भी कुछ भी ऐसे स्टॉक्स में कुछ नेगेटिव आ जाता है जहां पे लिक्विडिटी काफी कम रहती है तो वहां पे लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो जाते हैं, और वहां पर अगर लिक्विडिटी को अगर आपको हैंडल करना है तो वहां पे डेफिनेटली आपका रिस्क प्रोफाइल काफी ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। बाकी एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी ये नजर आती है कि यार क्या 10 गुना 20 गुना ये स्टॉक हो सकता है, तो वो मुझे थोड़ा डाउटफुल यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कंपनी कैपेक्स कर रही होती, यहाँ पे अगर मुझे 10 करोड़ का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी के अंदर अगर आउटफ्लो देखने को मिलता तो वो मैं वहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में लेता। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सम्राट फार्मा कैम के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।